गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ड्रॉ द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड ऑन द क्लॉक फेस टू शो द गिवन टाइम। हमको नीचे दिए हुए टाइम के अकॉर्डिंग आवर हैंड और मिनट हैंड को प्लेस करना है। फर्स्ट वन इज सॉल्व फॉर यू इन ऑल इन बुक 8 o'clock। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पूरे कंप्लीट टाइम की बात होती है तो मिनट हैंड हमेशा 12 पर आएगा। इसमें भी मिनट हैंड 12 पर, इसमें भी मिनट हैंड 12 पर, इसमें भी मिनट हैंड 12 पर और इसमें भी मिनट हैंड 12 पर। 8 o'clock की बात हो रही है तो आवर हैंड 8:08 पर आ गया। 6 o'clock की बात हो रही है तो आवर हैंड 6 पर आ गया। 2 o'clock की बात हो रही है तो आवर हैंड 2 पर आ गया। एंड 11 o'clock की बात हो रही है तो आवर हैंड 11 पर आ गया। नाउ इट इज 9:30। अब 9:30 की जब भी बात होगी तो मिनट हैंड हमेशा 6 पर आएगा। मिनट हैंड विल ऑलवेज बी ऑन 6। अब आवर हैंड के लिए मैंने आपको बताया था, जिसके 9:30 की बात कर रहे हैं उसके और अगले डिजिट के बीचों बीच में आवर हैंड आएगा। 9:30, 9 से अगला 10, तो 9 और 10 के बीच में आ गया आवर हैंड। 6:30 यानी 6 से अगला 7, तो 6 और 7 के बीच में आ गया 9:30। 3:30 यानी कि 3 से अगला 4, 3 और 4 के बीच में आ गया आवर हैंड। 12:30 यानी 12 से अगला 1, तो 12 और 1 के बीच में आ गया आवर हैंड। नाउ मैच द क्लॉक्स विद द टाइम्स। टाइम के अकॉर्डिंग क्लॉक को हमें मैच करना है। 10 o'clock, सिंपल सा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये क्या हो गया, 6 पर मिनट हैंड, इट मींस ये दोनों में क्या है, 9:30 है। 1 और 2 के बीच में है तो 1:30, 9 और 10 के बीच में है तो 9:30। नेक्स्ट इज द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक्स 1 hour टू मूव फ्रॉम 1 numeral टू द नेक्स्ट। जो आवर हैंड है, सपोज ये किसी में भी देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, यहां देख लीजिए, जो आवर हैंड है 8 पर, इसे अगर 9 पर जाना है तो हमको कितना टाइम लगेगा, पूरा कंप्लीट 1 hour, और यू कैन से 60 minutes, और यू कैन से 3600 seconds। द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक टेक्स 1 hour टू मूव फ्रॉम 1 numeral टू द नेक्स्ट। द मिनट हैंड टेक्स 1 hour टू कम बैक टू द सेम न्यूमरल। जबकि जो मिनट हैंड है ये 12 पर है, इसे भी ठीक 1 घंटा लगेगा दोबारा 12 पर आने में, यानी 60 मिनट यानी 3600 सेकेंड, बिकॉज 1 hour इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अ क्लॉक शोज 12 o'clock बोथ एट नून एट एंड एट midnight। चाहे दिन के 12 बजे या रात के, आवर और मिनट हैंड दोनों 12 पर आकर मिल जाते हैं। चाहे दिन के 12 बजे या रात के, आवर और मिनट हैंड दिन में 2 बार आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, और वो भी 12 पर। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फ्रॉम 1 midnight टू नेक्स्ट midnight फॉर्म्स अ डे। 1 midnight से अगली midnight का जो ड्यूरेशन है वही एक दिन बनाता है, और एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात के 8 बज रहे हैं, अब अगले रात के 8 बजने में, रात के 8, दिन के 8 बजेंगे 12 घंटे बाद, फिर रात के 8 बजेंगे अगले 12 घंटे के बाद, यानी टोटल ड्यूरेशन कितना हो गया, 24 hour। यानी 24 hour का जो कंप्लीट ड्यूरेशन है वो एक दिन बनाता है। एंड इट इज काउंटेड फ्रॉम 12 AM यानी midnight टू midnight, 12 बजे रात के से अगली रात के 12 बजने तक टोटल 24 hours में 1 day काउंट होता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में 60 minutes। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी और टॉक टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर।